हाँ, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम मार्केट स्टाइल में समोसे बनाएंगे। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में 2 कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच अजवाइन और 3 बड़े चम्मच गरम घी डालेंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए घी के साथ सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, इसे हल्का सॉफ्ट ही लगाना है। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम समोसे की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच काजू डालेंगे। अब इसमें 5 उबले हुए आलू जिन्हें हम मैश करके डालेंगे। ध्यान रहे, फिलिंग में आलू को कभी काटते नहीं है, हमेशा मैश करके ही डालते हैं। अब सभी को मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी को मिला लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच उबले हुए मटर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हम आलू को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से निकल ना जाए। देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये एकदम मार्केट जैसे ही बने हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग ठंडी हो चुकी है और हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। हमने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल डाल दिया है। अब इसे गरम कर लेंगे। धीमी आंच पर तेल को गरम होने देंगे। तब तक हम समोसे बना लेते हैं। हम डो को एक बार फिर गूंथ लेंगे। Thank you.
इसकी बड़ी बड़ी लोइयां तोड़ लेंगे। अब एक लोई लेंगे और उसे एक बार फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे। अब इसे बेल लेंगे। ध्यान रहे हम इसे गोल नहीं लंबा बेलेंगे। अब इसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। देखिए हमने इसे लंबा ही बेला है। अब इसे बीच में से काट लेंगे। ध्यान रहे काटने के बाद दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब एक साइड को हाथ पर लेंगे और उसकी आधी साइड पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से चिपका लेंगे। अब इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग को अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके समोसे को अच्छे से चिपका लेंगे। अगर समोसा चिपकाते टाइम ये थोड़ा खुल जाता है तो आप इस पे थोड़ा सा पानी लगाकर इसे फिर से चिपका सकते हैं। समोसा बन गया है। अब इसे अच्छे से प्रेस करके एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से बाकी समोसे भी बना लेंगे। सारे समोसे बन गए हैं। तेल भी गरम हो गया है। ध्यान रहे तेल एकदम गरम होना चाहिए और तेल को हम इतना लेंगे जिसमें समोसा पूरा अच्छे से डूब जाए और ये अच्छे से फ्राई हो सके। अब समोसों को फ्राई कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से डूब गया है। अब एक एक करके सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। हम इसे अभी नहीं पलटेंगे, जब समोसा ऊपर आ जाए तब समोसे को पलट लेंगे। ध्यान रहे हमने जो डो बनाया था उसमें हम घी का ही यूज करेंगे, ऑयल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल से डो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट बन जाता है और घी से थोड़ा सा टाइट रहता है। देखिए समोसे ऊपर आ गए हैं। अब इन्हें पलट लेंगे। देखिए सारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी समोसों को भी फ्राई कर लेंगे। समोसे बनके तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये एकदम मार्केट जैसे ही बने हैं। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। आप इसे धनिये की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अभी इस टाइम पर बाहर का खाना सेफ नहीं है, इसलिए आप इसे घर पे आसानी से बनाकर बच्चों को खुश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।